हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। और टुडे डिस्कस अबाउट न्यू पार्ट सेकंड, न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट टू, टीजीटी पीजीटी नीट बायोलॉजी टी ट्रिपल एसबी केबीएस एनबीएस ऑल एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट टू। हु हैज फर्स्ट डिस्क्राइब द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर पहले का यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा लेंगली। कंडीशन रिफ्लेक्स आर द डिफरेंट फ्रॉम अनकंडीशनल रिफ्लेक्स इन दैट। यहाँ पर 120 का डी हो जाएगा आंसर, हैरिस। कंडीशनेड रिफ्लेक्स आर लिमिटेड टू ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन इन वर्टिब्रेट अन इनिशियल डिस्प्ले इंडोस्ड बाई, तो 1-1 यहाँ ऑप्शन 121 का होगा मोटर नर्व्स। रिफ्लेक्स एक्शन इन वर्टिब्रेट इज इनिशियल डिस्प्ले इंडोस्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स बाज फर्स्ट मेड बाई। तो यहाँ पर जो कंडीशन रिफ्लेक्स है सबसे पहले किसके द्वारा, यहाँ पर तो पावलोव होगा, फिर चोविच पावलोव, ऑप्शन सी होगा 122 का। विच वन ऑफ दीज इन नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर 23 का होगा यहाँ पर आंसर, डी ऑप्शन, सेक्रेशन ऑफ स्वीट। ये जो है रिफ्लेक्शन एक रिएक्शन नहीं है। सेलिब्रेशन ब्लिंकिंग ऑफ आई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग लाइट, फिक्सन ड्यू टू द नीडल, ये वो होंगे जो थर्ड वाला ऑप्शन डी है, सेक्रेशन ऑफ स्वीट, ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। विच ऑफ दीज इन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। 124 का यहाँ पर होगा साइकिलिंग। द सेंसरी गैंग्लिया कंसर्न इन द स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्च हिंज लोकेटेड इन, यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ कंपैरेटिवली मोर रैपिड देन नॉर्मल रिफ्लेक्शन बिकॉज दीज लेटर हैव टू पास थ्रू। 126 ऑप्शन होगा सी यहाँ पर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इवान पावलोव कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट विच वेयर द कंसर्न इन द ओरिजिनल कंसर्न विथ। तो जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था वो किससे संबंधित था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा कंडीशनल रिफ्लेक्स, जो कुत्ते पर किया था पावलोव ने। इन रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स आर्च इज फॉर्म्ड बाई, 128 का ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, रिसेप्टर स्पाइनल कार्ड मस्कल। इन ए फ्रॉग द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इज सेवर्ड, द लैंग ऑफ सच फ्रॉग इज पेक्ड बाई द शार्प नीडल, देन इट इज मोस्ट लाइकली दैट एनिमल बिल। 129 का ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, मूव द लैंग दैट पैकेड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। 130 का यहाँ पर होगा ऑप्शन, 130 का बॉक्सिंग। इमीडिएट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज, तो इमीडिएट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस 131 ऑप्शन ए होगा, रिफ्लेक्स एक्शन।
बिच वन इज नॉट रिफ्लेक्ट एक्शन, तो यहाँ पर होगा रिलीज ऑफ सेलिवा सींग स्वीट रेस्पायरेशन, तो वहाँ पर ऑप्शन 132 का यहाँ पर डी होगा, ओबेइंग द ऑर्डर मतलब आज्ञा देना। रिफ्लेक्स फॉर ब्लड प्रेशर आर लोकेटेड इन, तो रिफ्लेक्स जो है ब्लड प्रेशर के लिए लोकेटेड होते हैं कहाँ पर, 133 का यहाँ पर डी होगा, मेडुला। विच प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन ब्रेन, यहाँ पर होगा ऑप्शन स्पाइनल रिफ्लेक्स। ए स्टूडेंट इज एबल टू लर्न प्लेइंग ऑफ हारमोनियम मोर इजली देन द टेपरिंग टेप राइटिंग, प्लेइंग ऑफ हारमोनियम इज ए केस ऑफ, तो यहाँ पर 135 का बी होगा, कंडीशनल रिफ्लेक्स। केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द न्यूरॉन टू अनोदर फ्रॉम द न्यूरॉन टू मसल्स बाई, केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनोदर फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल्स बाई 160 130 136 एसिटोकोलाइन। ए नर्व इम्पल्स विल ट्रेवल थ्रू ए नर्व फाइबर ओनली इफ दिस मेम्ब्रेन सडनली बिकम मोर परमीबल टू आयंस ऑफ, 137 हुआ यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सोडियम। द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू द न्यूरॉन्स इज ए, 138 का यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल। ए नर्व इम्पल्स विल ट्रैवल थ्रू ए नर्व फाइबर ओनली इफ इट्स मेम्ब्रेन सडनली बिकम मोर परमीबल टू आयन ऑफ सोडियम। द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू द न्यूरॉन्स इज ए, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन्स इज ए, 138 का सी होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेन ऑप्शन सी। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ अन इम्पल्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द एक्सोलेमा चेंज फ्रॉम, ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड एक्सोलेमा चेंज फ्रॉम 139 ऑप्शन सी है यहाँ पर, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड गेन नेगेटिव। वंस सिंपैथेटिक जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन हैज अलाउड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इट इज मेड रेडी टू ट्रांसमिट नेक्स्ट इम्पल्स बाय एक्शन ऑफ, तो यहाँ पर 140 का डी ऑप्शन होगा यहाँ पर, एसीटोकोलाइन स्टेरेज। द जंक्शन बिटवीन एक्जॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइन ऑफ नेक्स्ट इज कॉल्ड, कह रहा कि जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एक्जॉन एंड न्यूरॉन न्यूरॉन ऑफ वन एग्जॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइन, तो एग्जॉन और यहाँ पर न्यूरॉन के बीच में जो एग्जॉन ऑफ वन न्यूरॉन डेंड्राइन नेक्स्ट इज कॉल्ड जंक्शन बिटवीन एग्जॉन ऑफ न्यूरॉन, एग्जॉन के न्यूरॉन का जो जंक्शन है जो उनके बीच होता है डेंड्राइन और न्यूरॉन के, तो उसे क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट जंक्शन है। वन फोर्टी वन जिसे कहते हैं जंक्शन न्यूरॉन और एग्जॉन का, एग्जॉन और डेंड्राइन के बीच जो जंक्शन होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। एसिटोकोलाइन यह है केमिकल ट्रांसमीटर, ऑप्शन यहाँ पर 142 का ऑप्शन यहाँ पर होगा केमिकल ट्रांसमीटर्स। सिनेप्टिक फैटिगो इज ड्यू टू, तो यहाँ पर 143
द जंक्शन बिटवीन एग्जान ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइन द ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड, तो यहाँ पर सिनेप्स होगा, और एसिट्रोकोलाइन इज ए, तो यहाँ पर केमिकल मैसेंजर, वो केमिकल ट्रांसमीटर, और सिनेप्टिक फैटिगो इज ड्यू टू 143 एक्सन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, अन इन्वेंट्री इनहिबिटरी न्यूरो न्यूरोमर इज 144 यहाँ पर होगा ग्लाइसिन, ए न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एट द सिनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ए न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एट द सिनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, तो ए न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एट द जंक्शन सिनेप्स एट द सिनेप्स एंड द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तो 145 यहाँ पर होगा एसिटिकोलाइन, माइलिन सीथ इज ए लीन लेयर कवरिंग ए 146 नर्व फाइबर इन ए वर्टिब्रेट, व्हेन ए नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स 147 पॉजिटिवली चार्ज्ड, व्हेन ए नर्व फाइबर स्टिमुलेटेड द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन बिकम पॉजिटिव चार्ज्ड, विच आयन प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल इन ए नर्व फाइबर, विच आयन प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर, तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा आयन है जो कि नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल करता है, 148 सोडियम आयन, सल्टटोरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक प्लास थ्रू सल्टोरी यहाँ पर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक प्लास थ्रू 149 माइलिनेटेड फाइबर, विच आर द फॉलोइंग एक्ट द इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, तो यहाँ पर होगा एसिटोकोलाइन जो नर्व इम्पल्स को रोकता है इनहिबिट करता है, जिसे रोकते कहते हैं 150 का यहाँ पर होगा 150 का वो जी ए बी ए, द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज इन टू द सिनेप्स बिटवीन न्यूरोन्स एंड मस्कल सेल, द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज इन टू द सिनेप्स बिटवीन न्यूरोन्स एंड मस्कल सेल दैट प्रोड्यूस द ई पी एस पी इन द स्केलेटन मसल्स इज 151 ऑप्शन यहाँ पर होगा एसिटिकोलाइन, सोडियम पंप स्टॉप ऑपरेटिंग ड्यूरिंग 152 एक्शन ऑफ पोटेंशियल, और रिफैक्टरी पीरियड इन न्यूरॉन्स इज ए पीरियड ऑफ कंप्लीट इन एक्सिटेबिलिटी बिटवीन 153 का यहाँ पर बी होगा डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, रिफैक्टरी पीरियड इन न्यूरॉन्स एंड द पीरियड ऑफ कंप्लीट इन एक्साइटिवली, तो यहाँ पर कर रिफैक्टरी पीरियड एंड पीरियड ऑफ कंप्लीट इन एक्साइटिवली बिटवीन यहाँ पर डिपोलाइजेशन एंड रिपोलाइजेशन,
ऑप्शन बी सही होगा। इन ए नर्व इफ द सोडियम पंप इन ब्लॉक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली हैपन। 144 154 154 का यहाँ पर सोडियम आयन इनसाइड द नर्व विल इंक्रीज इफ इन ए नर्व इन सोडियम पंप इज ब्लॉक्ड। अगर सोडियम पंप यहाँ पर ब्लॉक हो जाए तो यहाँ पर सोडियम आयन नर्व इनसाइड द नर्व विल इंक्रीज, तो इनसाइड नर्व के भीतर बढ़ जाएंगे। एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल इज 155 का यहाँ पर डी होगा। प्लस 30 MB। ए टाइपिकल वैल्यू ऑफ रिली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, तो 156 का यहाँ पर 156 का सी होगा। माइनस 70 MB। An axon has for the four terminal and connecting with the dendrite of four different neurons. An axon has four terminal and connect with the dendrite of four different neurons. Its impulse will 157 का यहाँ पर होगा बी। ट्रैवल इन ऑल फोर न्यूरॉन्स विद द इक्वल स्ट्रेंथ। ए नर्व हैज पोटेशियम आयन कंसर कंसंट्रेट 158 158 का सी होगा यहाँ पर। मोर ऑन इनसाइड। एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल इज ड्यू टू 159 का यहाँ पर होगा सोडियम आयन के कारण। ड्यूरिंग द रिकवरी ए नर्व फाइबर बिकम 160 का ये होगा यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड द नेगेटिव चार्ज इनसाइड। ड्यूरिंग द रिकवरी ए नर्व फाइबर बिकम पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड। सेल्टेटोरी इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर थ्रू 161 का यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। माइलिनेटेड नर्व फाइबर। पॉजिटिव चार्ज इज आउटसाइड द नर्व एंड रेस्टिंग स्टेज इज ड्यू टू द यहाँ पर होगा सोडियम आयन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इज आउटसाइड एंड नर्व एट द रेस्टिंग स्टेज इज ड्यू टू, तो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। 162 का 162 का यहाँ पर एक होगा 162 का एक होगा यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज इन द आउटसाइड एंड नर्व एट द रेस्टिंग स्टेज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड नर्व रेस्टिंग ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड सोडियम आयन और पोटेशियम आयन इनसाइड नेगेटिव चार्ज इन द नर्व इम्पल्स। आयन्स नीडेड फॉर द पैरासिम्पेटिक ट्रांसमिशन। 163 का यहाँ पर होगा 163 का बी कैल्शियम आयन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ एलिमेंट या आयंस आर द रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो 144 140 यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। एट द टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स द रिपोलराइजेशन अकर विद द रिपोलराइजेशन यहाँ पर होगा इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड एट द रिपोलराइजेशन पूछ रहा है 165 का यहाँ पर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स। इनफ्लक्स मतलब रिपोलराइजेशन इनफ्लक्स होगा, सोडियम आयन अंदर जाएंगे पोटेशियम आयन बाहर आएंगे, तो यहाँ पर रिपोलराइजेशन होगा जब सोडियम आयन अंदर जाएंगे पोटेशियम आयन बाहर आएगा इन नर्व में, तो ऐसे ही साइकिलिंग चलेगी एक्शन पोटेंशियल की। अब जब रिपोलराइजेशन होगा तो सोडियम आयन मतलब अंदर जाएंगे। इन द एक्शन द नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स 166 अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इन द एग्जाम द नर्व इम्पल्स जो एग्जाम है जो नर्व इम्पल्स ले जाती है दूर शरीर से, मतलब शरीर ब्रेन के दूर ब्रेन से दूर शरीर में ले जाती है, सेल बॉडी से दूर ले जाती है शरीर में। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्राम द वन न्यूरॉन टू अनोदर न्यूरॉन इज फैसिलिटेड बाई, तो एसिटोकोलाइन यहाँ पर होगा 167 का, 167 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ये कनेक्ट लेटरल वेंट्रिकल्स आर पैरासील इन ब्रेन विद द थर्ड वेंट्रिकल। 168 ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, फोरामेन ऑफ मेनारो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर नर्व, तो 169 का यहाँ पर होगा, 169 का ऑप्शन डी होगा, तो ट्रोकलर एंड एम्बुडेसिस। कार्पस कोलेसम इज फाउंड इन द ब्रेन ऑफ, तो कार्पस कोलेसम पूछ रहा है किसके ब्रेन में पाया जाता है। 170 के यहाँ पर हुआ एलिफेंट, जो कि ये बबल्स है। कार्पस कोलेसम जो है सारे मामल्स के ब्रेन में पाया जाता है, एलिफेंट एक मामल्स है। व्हाट इज फाउंड इन द पेरीफेरी ऑफ स्पाइनल कार्ड, पेरीफेरी ऑफ स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है। 168 का यहाँ पर होगा बाइट मैटर। पोटेंशियल बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द नर्व बिफोर द एक्साइटेशन नाउन एस, तो यहाँ पर पोटेंशियल होता है जो आउटसाइड और इनसाइड के पहले, तो उसे क्या कहते हैं। 172 का यहाँ पर होगा रेस्टिंग पोटेंशियल। विच इज ट्रू अबाउट द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एट द फर्स्ट फेज, तो यहाँ पर फर्स्ट फेज है नर्व कंडक्शन की क्या होती है। सोडियम आयन मूव इन टू पोटेशियम आयन आउट, सोडियम आयन आउट एंड पोटेशियम इन, तो 173 का दूसरा हो जाएगा यहाँ पर, सोडियम आयन मूव इन एंड पोटेशियम आयन आउट। सोडियम आयन यहाँ पर ये नस है और नब्स है, तो सोडियम आयन यहाँ पर है तो ये अंदर जाएंगे और पोटेशियम आयन यहाँ पर बाहर आएगा। इस तरीके के यहाँ पर यहाँ नर्व इम्पल्स की या नर्व कंडक्शन की प्रक्रिया चलती रहेगी।
सोडियम आयन है, यहाँ पर पोटेशियम आयन है। ऑप्शन ए सही हो गया 173 का। ए पर्सन फील नो रिसेंट्रेशन वैन द पट इज हैंड ओवर फ्लेम, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच हैज डैमेज इज। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को जब ज्वालभाटा में ज्वाल में जल जाता है तो यहाँ पर उसका चेतना त्वचा की चेतना है जो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर किस पार्ट के, यहाँ पर दिमाग के किस पार्ट के डैमेज होने से। 174 174 174 का यहाँ पर सी होगा डाइसेफेलन। द नेचर ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, नेचर ऑफ एक्शन पोटेंशियल द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की जो पोजीशन होती है तो उस पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये बता रहा है। 175 ऑप्शन ए होगा यहाँ पर नेगेटिव। द चैनल रनिंग थ्रू द मिड ब्रेन कनेक्ट थर्ड एंड फोर्थ वर्टिकल इज ह्यूमन इज नाउन एज। 176 का यहाँ पर होगा बी ऑप्शन एक्यूडक्ट ऑफ लेविस। द इन इंडिकेट द करेक्ट मैच इन फॉलोइंग। तो यहाँ पर 177 का डी होगा फिफ्थ क्रेनी नर्व एक्सटर्नल रेक्टम मसल्स। एक्यूडक्ट ऑफ सेलिविस या ईटर कनेक्ट, तो एक्यूडक्ट ऑफ सेलिविस कनेक्ट 178 का यहाँ पर होगा बी ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। द नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्स फ्राम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन आर कॉल्ड। 179 का यहाँ पर होगा बी ऑप्शन मोटर न्यूरॉन्स। और रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व इज, तो कितनी मालूम होगा यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व। 178 यहाँ पर होगा 180 का माइनस माइनस 70 मिली वोल्ट। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज द प्रिजर्व द कंडीशन इज कॉल्ड। 181 का है यहाँ पर एक्जो एक्सेंट्रिक। सिंपेटिक यहाँ पर होगा सिंपेटिक स्टिमुलेशन। 182 का यहाँ पर भी होगा एक्सेलरेट हार्ट बीट, जो सिंपेटिक स्टिमुलेशन है जो हार्ट बीट को बढ़ाता है, पैरासिम्पेटिक हार्ट बीट को कम करता है। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्स कंडीशन इज, पीरियड ऑफ 183 का यहाँ पर होगा 183 का होगा रिपोलाइजेशन। ऑल द अनकॉन्सियस एक्टिविटी लाइक हार्ट बीट इन्वॉल्ट्री ब्रीथिंग एंड गट प्रेशर पेरिटेटिस आर द कंट्रोल बाई।
जब आदमी बेहोश होता है तो यहाँ पर हार्ट बीट और इन्वल्ट्री मतलब ब्रीथिंग सांस लेना और जो आंतों का चलना, तो आपका मतलब कार्य करना एक्टिविटी, तो इसके इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। 140 184 तो 184 का यहाँ पर होगा मेडुला और बिलेटा ओनली। एनेस्थेटिक्स रिड्यूस पेन बाय द ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। द काइंड ऑफ केमिकल वर्किंग ऑफ द एनेस्थेटिक आर द डोज ब्लॉक। वन एटी टू 85 वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल आर द न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर। मामलियन ब्रेन डिफर फ्रॉम द एम्फीबिया ब्रेन इन द प्रोसेसिंग। 186 का ऑप्शन यहाँ पर 186 का बी होगा कॉर्पस कोलेसम। जो मामल्स हैं उसमें कॉर्पस कोलेसम पाया जाता है मामलियन में कॉर्पस कोलेसम पाया जाता है, एम्फीबिया में यहाँ पर नहीं पाया जाता है कॉर्पस कोलेसम। तो 86 का यहाँ पर होगा दूसरा बीच ऑफ द फॉलोइंग ये मिसमैच्ड, तो ऑफिलेक्ट्री यहाँ पर सेंस स्मेल, सेरिब्रम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, सेरिब्रम मेमोरी, मेडुला ओब्लिगेटा टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है मैच नहीं है, मेडुला जो ओब्लिगेटा है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में लिखा ये नहीं है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिक्टली कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर कौन सा नहीं माना जाता है जो बाधित होता है, जो नहीं माना जाता है तो जो है न्यूरॉन का भाग, तो डेंड्राइन भी है, माइलिन शीथ भी है, नेसलित बॉडी भी, एक्जॉन एक्जॉन न्यूरॉन यहाँ पर है, डेंड्राइन भी, माइलिन शीथ भी है और नेसल बॉडी नहीं है। 188 का यहाँ पर ये सारे हैं, नेशनल बॉडी है, एग्जाम भी है, डेंड्राइन भी है, मगर ये नहीं है, तो हमारा यही उत्तर है माइलिन सीथ। बिच ऑफ नर्व फंक्शंस मोर लाइकली ट्रैक्ट ऑफ ब्रेन देन नए नर्व। बिच ऑफ द नर्व फंक्शन मोर लाइक ए ट्रैक्ट ऑफ ब्रेन देन ए नर्व। बिच ऑफ नर्व फंक्शंस मोर लाइक एक्ट ट्रैक्ट ऑफ ब्रेन ट्रेन नर्व। 189 का डी होगा वेगस। बिच नर्व द फंक्शन मोर लाइक द ट्रैक्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन को खोजने का यहाँ पर ब्रेन का जो है रास्ता है जो बनाने के लिए यहाँ पर कौन सी जो है बिच नर्व फंक्शन एज द मोर लाइक ट्रैक्ट ऑफ जो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 119 का यहाँ पर ये होगा ऑप्शन ऑप्टिक इज द शॉर्टेज नर्व। रिलीज ऑफ कैथोकोलामाइन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला वूमन इज कंट्रोल बाय द एक्शन ऑफ यहाँ पर 191। रिलीज ऑफ कैथोकोलामाइन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला इज कंट्रोल बाय द एक्शन ऑफ 191 का यहाँ पर होगा ए ऑप्शन पोस्ट गैंग्लियल सिंपेटिक नर्व। द ब्रेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज, तो जो द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम का क्या काम करता है, और बैलेंसिंग शरीर को संतुलित करना। 192 का सी होगा यहाँ पर। और सेरिब्रम जो है मेमोरी को स्टोरेज करता है, सेरिब्रम बैलेंस बनाता है, सेरिबेलम जो है बैलेंसिंग ऑर्गन है माइंड का यानी हेड का या ब्रेन का, और जो
शेरी ब्रो है, शेरी ब्रम वो है मेमोरी ऑर्गन ऑफ ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ये कम्युनिकेट द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो 193 का यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, फोर्थ वेंट्रिकल। वन ऑफ द फॉलोइंग ये कम्युनिकेट द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेट टू द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल। सेंट्रल कैनाल को, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट टू सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल को कम्युनिकेट करता है, वो फोर्थ वेंट्रिकल है। बीच ऑफ द फॉलोइंग ये कैरियन नर्व ऑफ ह्यूमन बीइंग इज है, बो सेंसरी एंड मोटर। तो यहाँ पर दोनों का काम करती है, कैरियन नर्व जो सेंसरी और मोटर का दोनों का काम करती है, यानी सूचना ले जाती लालती है और ले भी जाती है। तो ट्रिग्मिनल यहाँ पर होगा, ट्रिग्मिनल नर्व। 194 का डी है। हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन द एमनियोटा। एमनियोटा मतलब जो एमनियोन पाई जाती है, कोरियन ओमनियोन। तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व पूछा है तो 10 होगा, जो कि सारे मामल्स में पाई जाती है। 195 का यहाँ पर होगा 12। तो ये यहाँ पर रैबिट में 12 क्रेनियल नर्व पाई जाती है, क्रेनियल स्पाइनल कार्ड स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व दोनों पाई जाती है यहाँ पर 12 12। इसको स्कैलियोडॉन में यहाँ पर दोनों क्रेनियल नर्व और सेरिब्रम दोनों पाई जाती है यहाँ पर 12 12। द नेम क्रेनियल नर्व ऑफ ह्यूमन बींग, यहाँ पर 2 7 2 7 8 और यहाँ पर 9, 2 7 8 9। तो यहाँ पर कौन कौन सी 2 7 8 9 ह्यूमन में। 196 का यहाँ पर होगा, 196 का यहाँ पर ऑप्टिक नर्व, फेसियल नर्व, ऑडिटरी एंड ग्लोसरी। ऑप्टिक नर्व, फेसियल नर्व, ऑडिटरी और ग्लासोफेरिंजियल। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, 96 का तीसरा। अमंग बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ केमिकल ऑल द न्यूरो ट्रांसमीटर। तो 197 का यहाँ पर होगा डी, एसिटोकोलाइन, न्यूरो न्यूरा न्यूरो एंड्रलाइन, नॉर एंड्रलाइन एंड डोपेमाइन। बीच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द ग्रुप केमिकल ऑल द न्यूरो ट्रांसमीटर, तो है एसिटोकोलाइन, नॉर एंड्रलाइन और डोपापाइन, डोपेमाइन। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज द कंट्रोल ओवर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर कंट्रोल ओवर इंटरनल ऑर्गन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व द लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन ए पर्सन ड्रिंक एल्कोहल। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो शराब पीने वाले व्यक्तियों में जो है उसमें लॉस ऑफ कंट्रोल यहाँ पर जो है कंट्रोल की कमी कर देता है, अपने आप को कंट्रोल में कमी कर देता है यहाँ पर, तो मेमोरी लॉस भी करता है सेरिब्रम। ऑप्शन डी है यहाँ पर, जो संतुलन कारगन है उसको उसमें लॉस हो जाता है, मतलब कमी हो जाती है, तो वहाँ पर मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। 199 का डी। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ मीनिंग जेंस फ्रॉम द इनर टू आउटर साइड इज, करेक्ट सिक्वेंस ऑफ मीनिंग जेंस फ्रॉम द इनर टू आउटर साइड इज, तो 200 का यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, पी मीटर, एक्रोनाइड मेम्ब्रेन, ड्यूरा मैटर।
करेक्ट सो कैंस आप मीनिंग जींस फिर आप इनर टू आउटर साइड है, तो मीनिंग जींस यहाँ पर होगा पी मीटर, एक्रोनाइड मीटर, मेम्ब्रेन एंड डोरा मीटर। पॉन्स कनेक्ट द, पॉन्स कनेक्ट द 201 का यहाँ पर होगा टू लॉब्स ऑफ सेरिबेलम। द एंजाइम रिक्वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ टू लॉब ऑफ सेरिबेलम, तो द एंजाइम रिक्वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस ए सिनेप्स इज, पॉन्स कनेक्ट द यहाँ पर होता है पॉन्स कनेक्ट द टू लॉब्स ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स कनेक्ट द टू लॉब्स ऑफ सेरिबेलम। तो ऑप्शन 201 का यहाँ पर एक हो जाएगा, 201 का एक। द एंजाइम रिक्वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स क्रॉस द सिनेप्स, एंजाइम रिक्वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स क्रॉस द सिनेप्स, तो यहाँ पर कोलाइन एसिटिल यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 202 का यहाँ पर सी होगा, 202 का बी ऑप्शन कोलाइन एसिटिलेज। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, हाइपोथैलेमस, 203 का यहाँ पर होगा सी। विच इज द एक्टिवेटेड इन स्ट्रेस कंडीशन, विच इज एक्टिवेटेड इन स्ट्रेस कंडीशन, तो स्ट्रेस कंडीशन में यहाँ पर कौन सा एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और यहाँ पर होगा सिंपेटिक। सिंपेटिक जो है हेड को, हेड की धड़कन को बढ़ा देता है, और पैरासिंपेटिक हेड की धड़कन को कम कर देता है, तो सिंपेटिक ऑप्शन बी होगा 204 का। द ट्रांसवर्ज नर्व फाइबर कनेक्ट द टू सेवरल सेरिब्रल हेमिस पर आर कॉल्ड द, दो सौ पाँच का यहाँ पर होगा सी ऑप्शन कॉर्पस कोलेसम। ट्रांसवर्स नर्व फाइबर कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस पर, ए पोलराइज्ड न्यूरॉन इज सेड टू बी इन, ए पोलराइज्ड न्यूरॉन इज सेड टू बी इन, और 206 का यहाँ पर होगा पोलराइज न्यूरॉन कहा जा सकता है, तो यहाँ पर होगा रेस्टिंग पोटेंशियल, ए पोलराइज न्यूरॉन को कहा जा सकता है रेस्टिंग पोटेंशियल। विच स्पेस बिटवीन एक्रोनाइड एंड पी मीटर इज कॉल्ड, तो स्पेस होता है यहाँ पर एक्रोनाइड एंड पी मीटर के बीच मेनिजेस, ऑप्शन 207 का ये हो जाएगा, वो 207 का यहाँ पर डी होगा सब एक्रोनाइड स्पेस। सेरिबेलम ऑफ ब्रेन, सेरिबेलम ऑफ ब्रेन इज, तो 208 का यहाँ पर होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा कंसर्न्ड विथ मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर या इक्विलिब्रियम, जो है सेरिबेलम है बैलेंसिंग ऑर्गन है जो मेंटेनेंस करता है हमारे चलने को और साम्यता को, इक्विलिब्रियम तो समतुलन बनाता है या मेंटेनेंस करता है हमें चलने फिरने को, हमारी बॉडी को है जो संतुलन प्रदान करता है। फोरामेन ऑफ मैंगारो कनेक्ट, 209 का यहाँ पर होगा ऑप्शन सी लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। इन द सीरियल वाइज अरेंजमेंट, इन द सीरियल वाइज अरेंजमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व आफ्टर विच नर्व बी गेट क्लोजलर नर्व, तो इन सीरियल वाइज अरेंजमेंट क्रेनियल नर्व आफ्टर द सीरी नर्व बी गेट क्लोजर वाइज, और 210 का यहाँ पर होगा ओकुलोमोटर।
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉर्पोरा रिकोर्टिमेटा इज लोकेटेड, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन यहाँ पर कॉर्पोरा रिकोर्टिमेटा इज लोकेटेड 211 का बी होगा यहाँ पर, मेजियन सेफेलन पार्ट है जिसमें कार्पोर एक्यूटियम लोक स्थित होता है। इंजोरी टू वेगस नर्व इन ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू इफेक्ट, तो यहाँ पर इंजोरी या वेगस नर्व इन ह्यूमन नॉट लाइकली इफेक्ट, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट नहीं होगा घायल होने पर, यहाँ पर वेगस नर्व का 212 का होगा ऑप्शन बी, टांग मूवमेंट। द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू, इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ फॉलोइड वुड ड्राइव, इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड बी ड्राइव, 213 का ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, सोडियम एन इन टू द सेल। इनडायरेक्ट यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू द नर्व फाइबर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, 214 यानी 214 तो यहाँ पर होगा न्यूरो ट्रांसमीटर आर द रिलीज बाय द एग्जॉन एंडिंग एंड नॉट बाई डेंड्राइन, न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर रिलीज बाय द एग्जॉन एंडिंग, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज बाय द जो है एग्जॉन के एंड खत्म होने पर एंड नॉट बाई डेंड्राइन, इसलिए यहाँ पर यूनी डायरेक्शन ट्रांसमिशन होता है नर्व का। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेरिब्रम इज, तो 215 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ प्रोकिंजी सेल्स। कोरेनाइड फ्लक्स इज ए नेटवर्क ऑफ, कोरेनाइड फ्लक्स है 216 का, किसका यहाँ पर वो है जाल है जिसे नेटवर्क ऑफ किसका जाल है, तो 216 का यहाँ पर होगा कैपलरीज। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इज प्रेजेंट इन, तो यहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड यहाँ पर किस में पाया जाता है, इस वैक्स यहाँ पर होगा बिटवीन द डूरा एंड मीटर ऑफ क्रेनियम, बिटवीन द पी मीटर एंड क्रोनियम मीटर, तो 217 का होगा बिटवीन द पी मीटर एंड एक्रोनॉइड मीटर, सेरिब्रो स्पाइनल प्रेजेंट होता है पी मीटर और एक्रोनॉइड के बीच में। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इन्वॉल्व द इंटरप्रेटिंग एंड द इनपुट स्टोरिंग इनपुट इंफॉर्मेशन एंड इनिशिएटेड द रिस्पॉन्स इन द लाइट ऑफ सिमिलरिटी फेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर होगा 218 का यहाँ पर होगा आसियोसियन एरिया। यहाँ पर चित्र के द्वारा देखकर हमें आंसर देना है, आइडेंटिफाई पार्ट 1 से 4 तक, तो ये चित्र से देखकर बताना है उत्तर। 219 का यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है, द वन यहाँ पर पॉन्स है और दूसरा यहाँ पर सेरिब्रम है और तीसरा यहाँ पर है मेडुला और फोर है सेरिब्रम, और सेरिब्रम है यहाँ पर, पहला क्या है पॉन्स, एक नंबर पर पॉन्स है और दो नंबर पर यहाँ पर सेरिब्रम, एक नंबर पर पॉन्स सही है, दो नंबर पर सेरिब्रम और एक नंबर पॉन्स, दो नंबर पर सेरिब्रम और तीन नंबर पर यहाँ पर मेडुला,
ये ब्लैक वाला ये धारी है मेडुला, और 4 नंबर पर यहाँ पर सेरिबेलम, सेरिबेलम ये वाला, तो उत्तर यहाँ पर डी सही होगा। और इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर थ्रू, और इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर थ्रू 220, 220 का बोथ नर्वस एंड एंडोसाइन सिस्टम दोनों के द्वारा यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, इंटर सेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर थ्रू द बोथ नर्वस एंड एंडोसाइन सिस्टम विच आर फॉलोइंग सबस्टेंट लीड टू इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो कौन सा सबस्टेंट है जो यहाँ पर इनहिबिशन करता है नर्वस सिस्टम, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है 221 का, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर ग्लाइसिन और GABA, बहुत तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाई द सेल कॉल्ड, जो वेंट्रिकल है किसके द्वारा घिरे रहता है उस सेल को क्या कहते हैं, 220, 222 ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, इपेंडिमल। बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नॉट मोटर नर्व, तो यहाँ पर कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि मोटर नर्व नहीं है, 223, 223 का ये ऑप्शन ये होगा यहाँ पर सेकेंड। बीच पार्ट ऑफ ब्रेन इफेक्टेड फर्स्ट इन द ड्रंक पर्सन, जो है कौन सा पार्ट है जो शराब पीने वाले व्यक्ति को यहाँ पर प्रभावित होता है, तो यहाँ पर सेरिब्रम होता है जो कि बैलेंसिंग आर्गन होता है। 224 का यहाँ पर सी वो बी, बीच ऑफ द फॉलो ये नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बेगस नर्व, तो यहाँ पर किस कौन सा जो है नहीं जो बेगस नर्व को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बेगस नर्व किसके कंट्रोल में नहीं है, 225 का होगा यहाँ पर सेलिवेशन। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व कैरीज बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स, तो यहाँ पर होगा सेंसरी और मोटर फाइबर दोनों का करो ट्रोकुलर एंड ट्रिगेमिनल, तो दोनों काम करती है यहाँ पर सेंसरी और मोटर का, तो 226 का यहाँ पर डी होगा, बहुत 226 का यहाँ पर 226 का ए होगा, वेगस एंड फेसियल। बीच वन फॉलोइंग नर्व कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर, तो यहाँ पर सेंसरी और मोटर का दोनों का काम है क्लोरियर एंड ट्रिगेमिनल, तो आप गूगल करके देख लें, यहाँ पर वेगस नर्व और फेसियल नर्व भी दिखा रहा है, मगर मेरे हिसाब से डी है, तो आप गूगल करके देख लें ये आंसर, क्योंकि गलत नहीं करें। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज बाय द पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज बाय द पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, सो यहाँ पर होगा इपिनेफ्रीन, 227 का, 227 का यहाँ पर होगा एसीटिलकोलाइन, जो कि पैरासिम्पेथिक नर्व के द्वारा उत्पत्ति, जो कि यहाँ पर नर्व सिस्टम और हेड की धड़कन कम करता है, एसीटिलकोलाइन। विच इज नॉट पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन वो हाइंड ब्रेन, विच इज नॉट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, तो जो पीछे वाला दिमाग है उसका हिस्सा नहीं है पीछे वाले ब्रेन का, कौन सा, सेरिब्रम, मेडुला, पॉन्स, थैलेमस, तो यहाँ पर मेडुला होगा, मेडुला जो कि हेड का पार्ट है, 228 का, और 228 का यहाँ पर थैलेमस नहीं होगा, यहाँ थैलेमस हाँ जो हाइंड फोर ब्रेन का भाग है।
विच इज फंक्शन ऑफ नॉरपिराइन, इज नॉरपिराइन का कार्य क्या है? यहाँ पर 229 का ये है, इनक्रीज द ब्लड प्रेशर। विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल आर्टरीज कैरी प्यूरिफाइड ब्लड, गलत है। यहाँ पर ऑल मोटर फाइबर लीव द स्पाइनल कार्ड बी द रीड ब्लड कार्पोकुलेशन वर्टिब्रेट आर द न्यूक्लिएटेड, गलत है। यहाँ पर यूरिन ऑफ ऑल वर्टिब्रेट सिमिलर, गलत है। ऑल मोटर फाइबर लीव स्पाइनल कार्ड बी द नेटर वेंट्रल रूट, ऑल मोटर फाइबर लीव स्पाइनल कार्ड बाय बाय द वेंट्रल रूट। 230 का यहाँ पर सही होगा बी ऑप्शन, ऑल मोटर फाइबर लीव द स्पाइनल कार्ड बाय द वेंट्रल रूट। इन ए मैन एडोसेंस नर्व इज इंजोर्ड, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इफेक्टेड, विल बी इफेक्टेड। तो यहाँ पर होगा मूवमेंट ऑफ टोंग। 231 का वो 200 मूवमेंट ऑफ आई एंड आई बाल, यहाँ पर जो है एडोसेंस सेल जब घायल हो जाए तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ बाल की है रुक जाएगा, आई बाल आँख का कुल्ला है वो वहाँ पर घूमता है वो नहीं रुक घूम पाएगा। बीच ऑफ द बीच ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ऑफ द ऑटोनोमाउस नर्वस सिस्टम इज, तो ऑटोनोमाउस यहाँ पर नर्वस सिस्टम का भाग कौन सा है? 232 का यहाँ पर डी है, परसिस्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। पेरिस्टेलिसिस ऑफ इंटेस्टाइन इफ आफ्टर द कटिंग थ्रू द डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नर्व ऑफ ए मामल एंड एसोसिएट रिसेप्टर इन द स्किन बेयर द स्टिमुलेटेड द एनिमल वुड। 233 का यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, शो नो रिस्पॉन्स आफ्टर द कटिंग डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ए मामलियन एंड एसोसिएट रिसेप्टर स्किन बेयर स्टिमुलेटेड एनिमल वुड, सो नो रिस्पॉन्स। कॉलम फर्स्ट लिस्टेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, कॉलम सेकेंड लिस्टेड फंक्शन, मैच द फॉलोइंग कॉलम आइडेंटिफाई द चूज करेक्ट चॉइस फ्रॉम द गिवन दीज गिवन। 234 का यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, मिड ब्रेन और ए सीट ऑफ इंस्टेंटाइन, ये सही है। यहाँ पर 234 का तो यहाँ पर सेरिब्रम का हुआ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, और सेरिब्रम का होगा यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, और हाइपोथैलेमस का होगा कंट्रोल द पिट्यूटरी, और मिड ब्रेन का होगा मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा नेक्स्ट पर है, STPQ। तो यहाँ पर 234 का डी होगा ऑप्शन। बीच ऑफ द फॉलोइंग है या एच शेप्ड ग्रे मैटर, तो इनमें से एच शेप्ड ग्रे मैटर कौन सा है? स्पाइनल कार्ड, मेडुला ओब्लेटा, सेरिब्रम। सेरिब्रम स्पाइनल कार्ड होगा ऑप्शन यहाँ पर 235 का, 235 का बी होगा, जो कि ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कार्ड भी होता है तो ये शेप्ड होता है ग्रे मैटर। हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल, तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर क्या नहीं कंट्रोल करता है? 236 236 का यहाँ पर होगा क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस, जो कि है ये मतलब कंट्रोल नहीं करता है। मैच द फॉलोइंग ह्यूमन स्पाइनल नर्व इन कॉलम फर्स्ट विद द नंबर ऑफ पेयर इन कॉलम सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस।
तो यहाँ पर मैच करना है हमें। और क्वेश्चन नंबर 237, क्वेश्चन नंबर 237 का यहाँ पर होगा कैरियर नर्व। कैरियर नर्व होगा यहाँ पर चार पेयर, आठ पेयर। कैरियर नर्व यहाँ पर होगा आठ पेयर, और पहले का यानी चौथा 237। पहले का चौथा कैरियर नर्व आठ पेयर, और यहाँ पर दूसरा है थोरिक नर्व 12 पेयर, उसके बाद लूम्बर नर्व, तो सी का यहाँ पर होगा सी का दूसरा को वन पेयर, वन पेयर। और यहाँ पर कोक्सील नर्व है यहाँ पर एक पांच पेयर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। पहले का यहाँ पर चौथा है, और दूसरे का तीसरा है, और तीसरे का पहला है। और चौथे का दूसरा है वन पेयर कौची झील। तो ऑप्शन ए बी सही होगा यहाँ पर। यू आर द वॉचिंग ए हॉरर मूवी, यू नोटिस हेट बी हेट इज द बीटिंग फास्ट एंड माउथ इज ड्राई, इट इज बिकॉज। 238 का, 238 का यहाँ पर ये होगा बोथ ए एंड बी, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, और तीसरा है सिंपेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही सही होगा, ए एंड सी, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स और सिंपेटिक नर्वस सिस्टम दोनों के कारण यहाँ पर होगा ये। हाँ, फास्ट हार्ट बीट एंड माउथ सूबाई ऑफ्लेक्ट्री एरिया इज प्रेजेंट इन 239 का, 239 का सी होगा यहाँ पर टेम्पोरल लोब। इन ब्रेन द रीजन फॉर द परसेप्शन ऑफ ब्रेन इज लोकेटेड इन, तो इन ब्रेन द रीजन फॉर द परसेप्शन ऑफ पेन इज लोकेटेड इन। 240 का बी होगा पैराइटल लोब। सम एथेटिक या पोस्ट सेंट्रल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, 241 का यहाँ पर होगा ऑप्शन सी परसेप्शन ऑफ ब्रेन टच एंड टेम्परेचर। सम एथेटिक पोस्ट सेंट्रल एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ ब्रेन टच एंड टेम्परेचर। द हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, 242, 242 का ऑप्शन यहाँ पर होगा ए शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पर दूसरा प्रैक्टिस था, यहीं तक था। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी।